हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू नीतूज़ होम वर्ल्ड मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में तो आज मैं यहाँ अपने किचन में बनाने जा रही हूँ फ़िश फ्राई तो ये जो फ़िश है ये होल फिश है और ये डीप फ्राई फिश है तो ये बहुत ही क्रिस्पी होने वाला है तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द रेसिपी तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इस तरीके का आ, होल पूरा जो एक जो फ़िश होता है वो स्मॉल साइज़ का मैंने इस तरीके का लिया है इसको क्लीन करवा के मार्केट से मैंने लिया है अब मैं इसको मैरिनेट करूंगी तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टू टेबल स्पून कॉर्नफ्लॉर लूँगी कॉर्नफ्लोर इसलिए क्योंकि हमारा जो फिश है वो क्रिस्पी बन सके उसी के साथ मैं वन टेबल स्पून ग्राम फ्लोर ले रही हूँ बेसन टू टेस्ट सॉल्ट तो मैंने यहाँ हाफ़ टी स्पून हल्दी लिया है हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून काश्मीरी मिर्च पाउडर वन टी स्पून धनिया पाउडर यहाँ पे मैं लगभग वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट अब इसमें लेमन डालूंगी। लेमन तकरीबन आप वन टीस्पून इसमें ऐड करें आप इसमें चाहे तो वेनेगर भी ऐड कर सकते हैं कोकम भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया अब इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पहले पानी ऐड करते हुए इसका पतला सा पेस्ट तैयार करेंगे इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि अभी गाढ़ा पेस्ट तैयार हुआ है इसको थोड़ा सा सेमी लिक्विड करना है पेस्ट को तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है अगर आपको थोड़ा और लाल पसंद है तो इसमें आप और भी काश्मीरी मिर्च को ऐड कर सकते हैं इसमें आप चाहें तो ग्रीन चिली का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं बट मैंने 250 ग्राम ही अभी लिया है फिश को उसके अकॉर्डिंग मैंने इस मिक्सचर को रेडी किया है तो ये देखिए ये जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है अब इसमें हम मैरिनेट करेंगे फिश को तो अब ये देखिए हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया है आपको इस तरीके से इसमें डिप कर देते हैं तो दो दो फिश को अच्छे से मैरिनेट करके फ्राई कर लेते हैं तो फ्राई करने के लिए आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं सैलो फ्राई भी कर सकते हैं इट मीन्स कि आप तवा पे भी इसको सेक सकते हैं और अच्छे से ऑयल में भी डाल के फ्राई कर सकते हैं तो आज मैं ऑयल में फ्राई करने जा रही हूं तो इस तरीके से इसको कोटिंग दे दें अच्छे से आगे पीछे दोनों अच्छे से दे दे कोटिंग तो अब ये फ्राई होने के लिए रेडी है तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑयल हमारा रेडी हो चुका है और फिश तो रेडी है ही तो अब हम फिश को इसमें डालते हैं इसको तुरंत ना हिलाएं क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है तो कॉर्नफ्लोर से ये बहुत जल्दी ये स्टिक हो जाएगा हल्का सा ये पक जाए अब देखिए अब इस स्टेज पर हम इसको इस तरीके से टर्न कर देंगे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो होने वाली है ये पहले आप मीडियम फ्लेम पे रखें उसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख सकते हैं मीडियम टू हाई हाई नहीं रखना है तो ये देखिए हमारा झटपट से ये फिश जो है ये रेडी हो गया है अब मैं इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी तो इस इस तरीके के टिश्यू पेपर पे आप इसको ट्रांसफ़र कर लें अब और भी फिश हम इसी तरीके से फ़्राई कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारा सारा जो फ़िश है वो फ्राई हो चुका है अब इसकी प्लेटिंग करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो फिश है वो एकदम फ्राई होके रेडी है और तो मैंने यहाँ पे कुछ अनियन स्लाइस और लेमन स्लाइस के साथ इसको गार्निश किया है तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरे न्यू नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँच सके टिल देन फॉर द नेक्स्ट रेसिपी तब तक के लिए टेक केयर बाय